Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. Writers Association, उनका असेसमेंट एक इन्होंने जारी किया है, जिसमें कह रहे हैं कि साहब हरियाणा में 6 सीटें ही जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आपने तो हरियाणा का तो बहुत अच्छा विश्लेषण कर रखा है, तो अब आप बताएं कि क्या स्थिति है वहां पर। सर, पूरे हरियाणा में कांग्रेस एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक पे, दैट इज रोहतक। पूरे चुनाव का पूरा जोर हुड्डा फैमिली ने सिर्फ और सिर्फ रोहतक पे लगा रखा है। रोहतक से बाहर निकल के कहीं नहीं गई है। रोहतक के बगल वाली एक सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ पे कल राहुल जी की रैली थी, मंच पर ही राव दान सिंह और किरण चौधरी लड़ गए और बाकायदे लड़े, सारी दुनिया ने देखा, राहुल जी देख रहे थे, मंच पे लड़े। राहुल जी भी थे? हाँ, राहुल जी वही खड़े थे। राहुल जी आगे सुनिए, आगे अभी ये तो कुछ नहीं है। हुड्डा सिंह, हुड्डा राहुल गांधी के बगल में हुड्डा जी कुर्सी लगा के बैठे हुए थे, किरण चौधरी थोड़ी सी दूर बैठी थी, हुड्डा जी गए भाषण देने, किरण चौधरी उठ के राहुल गांधी के बगल में बैठ गई। हुड्डा जी जब भाषण दे के आए तो उन्होंने देखा हमारी तो कुर्सी नहीं है। तो सर, अगर कुर्सी नहीं है तो वहीं बगल में राव दान सिंह बैठे थे, वो खड़े हो जाते, सारा मंच खड़ा हो जाता। बैठी रहती अकेली। अच्छा, अगर हुड्डा की कुर्सी नहीं थी तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को खड़ा हो जाना चाहिए था। हुड्डा साहब यहां बैठिए। अब हुड्डा साहब बैठे, उसके बगल में श्रुति बैठी, सारा पूरा मंच देख रहा, हुड्डा कुर्सी ढूंढ रही, मैं बैठूंगा। राव दान सिंह भी नहीं उठे, मंच पे कोई नहीं उठा। अच्छा, आगे राव दान सिंह तो उनके ही कैंडिडेट है। हाँ, उनके कैंडिडेट है, पर उनके लिए कुर्सी छोड़ के खड़े नहीं हुए। आगे सुनिए, आगे और सुनिए। जब ये सभा थी कहाँ पे, ये जरा बताएं। दादरी में, ये दादरी में जनसभा थी। ओके। उसके बाद जब राहुल जी बोलने के लिए उठे तो मंच पे सब लोग सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। श्रुति चौधरी नहीं, अपना किरण चौधरी नहीं खड़ी हुई, मैं गलती से शायद श्रुति बोल गया हूँ, पीछे किरण चौधरी, श्रुति की मम्मी, किरण चौधरी नहीं खड़ी हुई और आगे हुड्डा की कुर्सी पे बैठ गई, तो वहां से नहीं उठी। और पहले ही कई बार घोषणा कर चुके कि हमको टिकट नहीं दी, पर हम दान सिंह को, राव साहब को पूरा सहयोग करेंगे, जितना सहयोग उन्होंने हमारा किया था उसका दुगना करेंगे। तो इन्होंने हरवाया था। तो सर, ये तो इनका चुनाव, ये तो चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा, उधर शैलजा जी बड़े तगड़े, वाकई लड़ रही है चुनाव तो शैलजा लड़ रही है सर, मानना पड़ेगा। शैलजा की और अशोक तंवर जी की बहुत तगड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है। हालांकि आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि थोड़ी सी एज मिल गई है अशोक तंवर जी को, चुनाव तो वो जीत जाएंगे, पर बहुत कांटे का चुनाव वाकई रोहतक में हुआ, सिरसा में हुआ है। सिरसा में एक बार भी हुड्डा जी प्रचार करने नहीं गए। इनफैक्ट हुड्डा तो रोहतक से बाहर नहीं निकले ना, पूरे रोहतक की 10 की, हरियाणा की 10 की 10 सीट पे हुड्डा रोहतक से बाहर नहीं निकला। अपना अपना प्रचार खुद करो। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पिया। हाँ। साहब, क्यों आप उसको जो है वो अन्यता लेते हो। तो शैलजा के लिए लोगों ने पूछा कि साहब आप सिरसा गए नहीं प्रचार करने, वो बोले मुझे शैलजा ने बुलाया ही नहीं। और शैलजा ने रोड शो किया तो बाकायदा मना किया कि नहीं हुड्डा साहब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी, ये कह रहे मुझे बुलाया नहीं। उसने उल्टे मना किया कि नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है मेरे चुनाव क्षेत्र में। ये तो सर स्टेटस है हरियाणा का। और मैं डे वन से कह रहा हूं था, हरियाणा मींस 10-0। पिछली बार हमने डिस्कस की थी तो हिसार और रोहतक के, सॉरी सिरसा और रोहतक के अलावा जी, हिसार की सीट भी जो थी वो मानी जा रही थी कि साहब की वहां पे भी एक लड़ाई है। सर, ये इनका पेड मीडिया, पेडी मीडिया का नैरेटिव कुछ भी बना दे, हिसार कभी भी फाइट में नहीं थी। सर, हिसार में 4 जाट चुनाव लड़ रहे हैं, 4 जाट,
एक जेपी है, नैना सुनैना है इनेलो जजपा से, और रंजीत चौटाला जी हैं। तो सर फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, नैना सुनैना का मैंने पता लगाया था ठीक ठाक वोट काट रहे हैं दोनों मिलकर, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक वोट दोनों मिला के काट लेंगी, ये जाटों का वोट है। और सर हरियाणा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है, जो 35 जात वाला जो कंसोलिडेशन था वो इंटैक्ट है, बल्कि और मजबूत हुआ है। 2019 की तुलना में जो 3 SC कास्ट्स हैं, चमार, धानक और वाल्मीकि, इसका मेजर चंक बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हुआ है, जो कि 2019 में नहीं था। नंबर वन, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की वजह से ओबीसी एंड सैनीज हैव, सैनीज का तो 95% वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हुआ है, यूपी, इवन पंजाब, इवन ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी, पूरा राजस्थान। वो सर जो सैनी साहब को सीएम बनाने का जो बीजेपी की जो स्टेप था, वो इट हैज पेड वेरी हैंडसम रिटर्न्स। आपने ये भी कहा कि दलित जो है वो सब एक साथ कंसोलिडेट हुए हैं, तो उसका क्या बीजेपी के फेवर में, क्या पूछा आपने, उसका कारण क्या है? सर उसका कारण ये है कि खट्टर साहब ने ना काम बहुत अच्छा किया है, और दलितों के बीच में, और जो सर उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स थी ना हरियाणा की, दे हैव डिलीवर्ड वेरी वेल। उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर्स था सीधे खातेदार के खाते में, और सर हरियाणा का जो डिजिटल गवर्नेंस है ना, खट्टर साहब ने ये एसर्टेन किया कि आपको किसी भी काम के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, सरकार आपके दरवाजे पे आएगी। और सर वाकई आप तो खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे हैं, कोई अच्छा एक आम आदमी को सरकार से काम क्या होता है, वो कहते हैं अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, आपको थाने भी नहीं जाना है, आप सिर्फ सीएम पोर्टल में एक ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट, और थाना आपके घर आएगा, आपको थाने नहीं जाना है। और ये मैंने लिटरली होता हुआ दिखा है, देखा है, खुद मेरे खिलाफ एक आदमी ने ट्वीट कर दिया था सर, और विद इन 1 आवर एक्शन हुआ था, और आई हैड टू गो, मैं थाने में जाके मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, और थाने ने एसर्टेन किया कि जो सो कॉल्ड कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट किया उसमें कोई सब्सटेंस है कि नहीं है, और लिटरली आई हैड टू फेस द म्यूजिक, और मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं कंप्लेंट झूठी। इस तरह सरकार की गवर्नेंस के जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, एक आम नागरिक को सरकार से जो भी काम पड़ सकता है, हर काम के लिए देयर इज अ पोर्टल, उस पर रजिस्टर करिए अपने आप, आपका आपको बही खाता चाहिए, खतौनी चाहिए, सरकारी कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए। सर हरियाणा में जो सबसे बड़ा धंधा था वो CLU था, चेंज ऑफ लैंड यूज, उसको भी 100% उसका पोर्टल बना दिया, आज आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपका CLU हो जाएगा। तो सर इसका जो गरीब गुरबा है ना सर, उसको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है, प्लस राशन और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी सेंटर की वो सारी, उसके बाद सर जितनी कल्याणकारी योजनाएं सेंटर की उससे दुगनी स्टेट की है वहां पे। अगर सचमुच अगर आज की तारीख में अगर आपको वेलफेयर स्टेट देखना है तो वो हरियाणा है। वृद्धावस्था पेंशन ले लीजिए, विधवा पेंशन ले लीजिए, वो बच्ची गरीब बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, कोई अगर परिवार में किसी की भी डेथ हो गई आपको सीधे आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पर्सन। बीमार पड़ गए हैं, आयुष्मान कार्ड बिना कुछ मांगे आपके घर में आयुष्मान कार्ड आ जाता है, बिना कुछ कहे आपके घर में गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड आ जाता है। आपके परिवार के किसी व्यक्ति की बीमारी से डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली वहां से जो कंपनसेशन जनरेट होकर आपके खाते में आ जाता है। सर इसका फायदा गरीब को बहुत हो। अच्छा, उसके बाद आज हरियाणा के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो खर्ची पर्ची है,
हुड्डा के शासन में जो लूट मचाई थी हुड्डा साहब ने, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हरियाणा में सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, खट्टर के शासन में मेधावी बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को ईमानदारी से नौकरियां दी गई हैं। इसमें किसी प्रकार की बंदरबांट, लूट, भाई भतीजावाद नहीं हुआ है सर। ये सबसे बड़ा प्लैंक है और कोई ऐसा घर नहीं है जहां गरीब बच्चों को नौकरियां न मिली हों। अच्छा, इसके अलावा एक और उन्होंने किया कि ऐसा कोई भी परिवार जिसमें आज तक कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। उसकी वजह से सर हजारों बच्चों को इसलिए नौकरी मिल गई क्योंकि उनके परिवार में आज तक कभी नौकरी नहीं थी, तो इस योजना का लाभ वाकई गरीब लोगों को मिला। जो वो कहा जाता है ना कि पायदान, सीढ़ी के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के तक विकास और सरकार की लाभ की योजनाएं पहुंचे, वो सचमुच हरियाणा ने डिलीवर किया है। मतलब गवर्नेंस के मामले में खट्टर ने एक इतनी लंबी लकीर खींच दी है सर, जैसी लकीर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने खींची है ना सर, वही लकीर गवर्नेंस के मामले में, डिलीवर करने के मामले में खट्टर साहब ने खींची। इसलिए गरीब गुरबा खट्टर का इतना बड़ा फैन हुआ है।